नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पूरी तरह से फॉर्म में आ गए हैं। अशोक गहलोत केंद्र की भाजपा सरकार से सीधी टक्कर ले रहे हैं। अशोक गहलोत का यह रूप देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के बीच राज्य और केंद्र के संभावित टकराव के मद्देनजर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर अहम फैसला किया है। अब सीबीआई सीधे तौर पर राजस्थान में किसी भी केस की जांच नहीं कर सकेगी। सीबीआई को जांच करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। एक्शन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मोदी सरकार से टक्कर लेने की तैयारी। केंद्र के फैसले के खिलाफ लागू किया बड़ा कदम। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। अशोक गहलोत के इस कदम के कई सियासी मायने। राजस्थान के गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। इसे केंद्रीय भाजपा नेताओं की कथित ऑडियो टेप के मामले में सीबीआई जांच को लेकर की गई मांग से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत राजस्थान में अब राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई की एंट्री नहीं हो सकेगी। गहलोत सरकार का यह फैसला फोन टेपिंग कांड में गृह मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट तलब करने के अगले ही दिन आया। दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में दलाल संजय जैन की फोन टैपिंग को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर पूछा था कि किन नियमों के तहत ऐसा किया गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से यह आशंका जताई जाने लगी कि इनकम टैक्स ईडी के बाद अब सीबीआई भी इस राजनीतिक घमासान में उतारी जा सकती है। ऐसे में अशोक गहलोत का यह कदम सियासी गलियारों में बेहद अहम माना जा रहा है।